दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। जनजातीय जिला किन्नौर में कई स्थानों पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने व सड़कों पर लहासों और चट्टाने गिरने से NH5 सहित कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वरली के निकट NH5 पर ग्लेशियर गिरने से NH मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। इसके अलावा सांगला से छितकुल के बीच में भी कई स्थानों पर ग्लेशियर गिरने की सूचनाएं हैं। वांगतू से पूह पर लहासे व पत्थर गिरने से सड़क पर चलना जोखिम से कम नहीं है। बुधवार को रैली के निकट पत्थर गिरने से पटेल कंपनी में कार्यरत दिनेश कुमार नामक यूपी निवासी की मौत हो गई है। दूसरी ओर जिला के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से इन क्षेत्रों में सेब की फ्लावरिंग पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। बागवानों में इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।